सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है पहला स्टॉक। लखनऊ से विनय कुमार का सवाल है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर। 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 22.50 रुपए के भाव पर खरीदा था, निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहां से ब्रेक हो चुका 30 के आसपास, तो एग्जिट लॉस भुगतना पड़ेगा, निकल जाइए यहाँ से। वॉकहार्ट रांची से दिबाकर दत्ता का सवाल है, 880 इनकी बाइंग प्राइस रही है, 100 शेयर हैं वॉकहार्ट के। है तो वीक स्ट्रक्चर, और भी थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, एंटायर फार्मा क्षेत्र वीकनेस है यहाँ गुजर रहा है, लोअर लेवल से 480 में सपोर्ट में, लेकिन इसमें अगर अपू मिलता है 800 के आसपास मौका मिलता है निकलने का, तो एक बार तो निकल जाना चाहिए। MCX पर सवाल है हमारे पास कपिल अग्रवाल जी का, 50 शेयर हैं MCX के, 764 इनकी बाइंग प्राइस रही है, प्रॉफिट हो रहा है अभी, होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है, 840 900 भी जा सकता है MCX, लगता है लोअर लेवल्स में MCX में बहुत बढ़िया सपोर्ट है और वहीं पर सपोर्ट मिला है, तो मेरे ख्याल से ये जगह होल्ड करने की है। एक और फार्मा स्टॉक प्रकाशी ल्यूपिन, ये है दिल्ली के हरविंदर चोपड़ा के पास, 120 शेयर 970 में खरीदा है, 970 में खरीदा है, लोअर लेवल्स में शायद लुपिन में सपोर्ट मिले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब कह सकते हैं 730 और 50 के आसपास है, होल्ड कीजिए, अगर ये होल्ड करता है तो ठीक है, लेकिन एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिए 830, एक बार 830 क्रॉस हो जाएगा तो अच्छी तेजी आ सकती है, फिर कह सकते हैं बॉटम आउट हो चुका, फिलहाल होल्ड कीजिए। मोनसांटो बड़ौदा से उमेश कुमार होल्ड करते हैं, 2500 के भाव पर 200 शेयर खरीदे हैं, 2500 के भाव पर होल्ड करना चाहिए इनको, बढ़िया स्टॉक है, आते दिनों में कुछ 3200 का जोन भी देखेंगे, होल्ड कीजिए। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है और 3200 का टारगेट आपको मिल सकता है, मोनसांटो होल्ड है। कोटक बैंक नागपुर से मनोज जी पूछ रहे हैं क्या करें, कोटक महिंद्रा बैंक में लॉस काफी हो रहा है, ऑलमोस्ट 300 रुपए का नुकसान है, इन्होंने से 1000 के लेवल्स पर खरीदा है, नथिंग टू वरी, माफ कीजिएगा नुकसान नहीं मुनाफा, मुनाफा हो रहा है एक्चुअली, हाँ। 1000 में लिया है तो 1298 है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, मुनाफा चाहे अगर ट्रेडर है तो मुनाफा कर ले जाइए, री एंटर की जगह कहाँ है, 1125। ओके, तो फिर 1125 पे री एंटर कीजिएगा, अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत शानदार मुनाफा आपको हो रहा है। जीएम ब्रूरीज सुनील पटेल होल्ड करते हैं, जीएम ब्रूरीज के उनके पास है 140 है, 1000 रुपए पे खरीदारी की है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब करेक्टिव मोड पर है और थोड़ी गिरावट भी देख सकते हैं, लेकिन अपर रीजन आपको 825-900 जोन देखने को मिलेगा, वक्त लगेगा उसके लिए, हाँ लोअर लेवल्स मिलते हैं तो ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मिंडा इंडस्ट्रीज पटियाला से लखवंत जी होल्ड करते हैं, 300 शेयर 413 में इन्होंने से खरीदा है, बस वहीं पर ट्रेड करा है, होल्ड कीजिए, आपको मिलेगा 430 के आसपास 440 के आसपास मौका मिले निकल जाइए, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डेल्टा कॉप पुणे से ऋत्विक होल्ड करते हैं, 100 शेयर 238 की खरीद रही है, होल्ड ही करना चाहिए, बढ़िया है प्रॉफिट, मुझे लगता है अच्छी जगह से बाउंस हुआ है करीब 220 के आसपास, मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका, अब फर्स्ट पहला टेक्निकल टारगेट कुछ दूर 75 का है, अगर वहां पर अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। रायपुर से वकार इनके पास है, इलाहाबाद बैंक, 1000 शेयर 45.45 रुपए की खरीद रही है, अपमो मिलेगा थोड़ा 48.50 के आसपास मौका मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, है बेसिकली वीक स्ट्रक्चर इसलिए बाउंस का एडवांटेज लेकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बर्जर पेंट्स रतन राय सिंघानी जी के पास है, 100 शेयर 236 इनकी बाइंग प्राइस, 320 में ट्रेड कर रहा है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें करेक्शन आते हैं, करेक्शन कंज्यूम हो जाते हैं, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया स्टॉक है बर्जर पेंट्स, एंटायर सेक्टर इज गुड। ठीक है, तो फिर बने रहिए, होल्ड कीजिए बर्जर पेंट्स, अच्छा लग रहा है प्रकाश जी को और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, होल्ड कीजिए। छोटा सा ब्रेक, स्टॉक फटाफट यहीं पर रैप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों